जनपद संभल के चंदोसी में प्रदेश वन महोत्सव के मौके पर हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत सीएल गैस एजेंसी गोदाम मोलागढ़ चंदोसी पर जिला पूर्ति अधिकारी एसपी शाखे द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी एसपी शाखे ने कहा कि वृक्ष जीवनदाता है, इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम सबको वृक्ष लगाने तथा उसका पालन पोषण करने का संकल्प लेना चाहिए। एलपीजी वितरक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सतीश प्रेमी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए तथा आने वाली पीढ़ी को जल और जीवन देने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष ही हमारे जीवन का आधार है। प्रदेश में जो है 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसी क्रम में जनपद संभल को आपूर्ति विभाग के लिए 1200 पौधों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। और आज हम जनपद के जो पंप पेट्रोल पंप हैं और गैस एजेंसीज हैं और इसके अलावा जो राइस मिलर्स हैं, जो हमारे ऑफिस हैं, उन सब पर पौधे लगाने का बृहद कार्यक्रम चल रहा है। और हमने सभी ने पौधे प्राप्त कर लिए हैं और पूरे जनपद में हमारे जितनी भी पेट्रोल पंप हैं और गैस एजेंसीज हैं सभी पर जो है वृक्षारोपण कार्य चल रहा है। इसी क्रम में आज मैं यहाँ पर चंदोसी में भी जो पेट्रोल पंप पर एक पौधे लगा कर आया हूँ और यहाँ पर सीएल गैस एजेंसी के यहाँ पर मेरे द्वारा पौधे लगाए गए हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश इसमें यही है कि वृक्ष जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, हमारे लिए जीवन प्रदान करते हैं। तो सभी लोग जो है, हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिवर्ष एक पौधा अवश्य लगाए, जैसे हम सबको जो है प्राणवायु ऑक्सीजन प्राप्त हो। और हम आज आपने वृक्षारोपण किया है, गैस एजेंसी पर क्या कहें? आज जो पेट्रोलियम एसोसिएशन की ओर से, जो एलपीजी एसोसिएशन हमारी डिस्ट्रिक्ट की, उसकी ओर से भी और शासन प्रशासन की ओर से भी पूरे देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम था वन महोत्सव के, उससे उसी क्रम में आज चंदोसी में गैस एजेंसी गैस गोदाम पर वृक्षारोपण किया था। और ये संदेश भी देना चाहते हैं कि वृक्ष हैं तो जीवन है, अगर वृक्ष नहीं है तो जीवन नहीं। दिन प्रतिदिन जो हमें आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है वो उसका कारण केवल वृक्षों की कमी, वृक्षों का कटान यही है। हर व्यक्ति को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वृक्ष लगाने काम करना चाहिए। आज मेरी माँ की पुण्यतिथि भी है, मैंने उसी संकल्प में भी आज अपने गोदाम पर और अन्य जगह पर वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम रखा था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी डे टू डे होगी, लोग प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं, उसका कारण आपदाएँ हैं। वृक्ष लगा करके हम प्रकृति के प्रकोप से बच सकते हैं और जनजीवन को, आने वाली पीढ़ियों को, जनजीवन का सुरक्षित कर सकते हैं। यही संदेश हम देंगे।